हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है मंडे और मैं हूँ अपने छत में और ठंडी हवा के मजे ले रही हूँ। यहाँ पे काफी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। दोपहर में तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा चलो छत में आके घूम लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा यहाँ का नजारा। पीछे हमारे हस्बैंड जी देखिए, वो भी घूम रहे हैं। देख लो गाइज, यहाँ पे मौसम आज थोड़ा अलग सा हो रखा है। ऊपर से यहाँ से कितनी सारी ट्रेनें जाती थी, आजकल एक भी ट्रेन नहीं जा रही है। और आप लोग देख सकते हैं मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रखा है, शायद से बारिश आ जाए, क्योंकि हवा भी चल रही है और आ सकती है शायद से बारिश। देख सकते हैं आप लोग मौसम। और वो देखिए नीचे हमारी मदर इन लॉ एंड सिस्टर घूम रहे हैं। गली में कोई भी नहीं है, बस हमारी फैमिली वाले घूम रहे हैं नीचे और हम लोग छत पे। और लोग सारे, आप लोगों को दिखाते हैं, सारे लोग अपने छत पे खड़े हुए। ये देखिए आप लोग अपने छतों पे घूम रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी लोग बाहर नहीं घूम रहे हैं वायरस के चक्कर में। कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते, आप लोग लगा सकते हैं आधा से ज्यादा जनता मतलब अपने घरों में ही कैद है, बाहर जा ही नहीं सकते हैं इस कोरोना के चक्कर में। और ये देखिए गाइस, जिससे हम दूध लेते हैं ना, वो भी आ गए हैं, क्योंकि आजकल वो भी जल्दी आ रहे हैं पुलिस के डर की वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है पुलिस आने नहीं दे रही है किसी को भी, तो ये दूध वाले भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। और बाकी गाइस, आप लोग बताइए आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है, कैसे आप लोग घर में हो, क्या क्या बना रहे हैं? आजकल तो हर कोई, मैं देख रही हूँ, घर में ना नई नई डिशें बना रहे हैं। आप भी बताओ आप लोग क्या डिश, आप लोग भी बताओ आप लोग क्या क्या डिशें बना के अपने फैमिली वालों को खिला रहे हैं। और चलो कुछ देर के लिए मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि काफी देर से घूम रही थी, अभी बैठ गई हूँ। पहले मैं नीचे घूम रही थी, अभी मैं ऊपर आ गई थी छत में, क्योंकि यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है। नीचे मच्छर थोड़ा ज्यादा खा रहे थे, इसलिए ऊपर छत में आ गई हूँ। बाकी बताओ गाइस, आप लोग की जाए, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? आप लोग बताते भी नहीं हो, भाई बताया करो, तभी तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा मैंने कर ली आपसे, टाइम भी बहुत ले लिया है, अभी थोड़ा मैं घूमती हूँ। ओके, फिर देखते हैं नाइट में क्या खाना बनाते हैं, यानी कि अपना डिनर क्या बनाते हैं, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, अभी आ गई हूँ मैं डिनर बनाने। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज कट किए हुए हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा तड़के के लिए भी प्याज कट किए हुए हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन शिमला की सब्जी। हाँ जी, बेसन और शिमला की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आज उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोग पेठे की सब्जी यानी कि जिसे कद्दू बोलते हैं उसकी सब्जी भी बनाते हैं, तो उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से कद्दू की सब्जी बनाते हैं। मीडियम साइज में जो मैंने शिमला मिर्च और प्याज कट किए थे, इन्हें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मुझे ये तब तक फ्राई करने हैं जब तक शिमला मिर्च हमारा हल्का सा गल ना जाए, क्योंकि जब मैं बाद में इसमें बेसन ऐड करूँगी तो मैं इसमें शिमला मिर्च को पकाऊंगी नहीं, इसीलिए हमें पहले तेल में शिमला को पका लेना है, ताकि जो हमारा शिमला हो बाद में कच्चा ना रहे। तो शिमला मिर्च को पकाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, ताकि हमारी शिमला मिर्च थोड़ा जल्दी से पक जाए। Oh.
तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, मैं बीच बीच में चेक भी करती रह रही हूँ कि हमारी शिमला पक रही है या नहीं पक रही है। मैंने मीडियम आंच किया हुआ है, गैस फुल आंच पे नहीं रखूंगी, ऐसा करके हमारी जो शिमला है वो जल जाएगी। गाइज आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके थे और हमारी शिमला हल्की पक चुकी है जितना हमें चाहिए। तो अब मैं इस शिमला को एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब गाइज मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और उस तेल में मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी तड़के के लिए। उसके बाद मैं इसमें हींग, क्योंकि हींग डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है किसी भी सब्जी का या फिर किसी भी दाल का, अगर हम लोग तेल में ही हींग डालें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं जो मैंने छोटे छोटे प्याज कट किए थे उसे मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी और इन्हें हल्का सा फ्राई करूंगी। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हमें ये ब्राउन करना है, नहीं, हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं। टमाटर मैंने 4 से 5 कट किए थे, उन्हें मैं इसमें ऐड कर लूंगी। टमाटर को गलाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और अब जो मैंने यहाँ पे एक कटोरी भी नहीं, आधा से भी कम मैंने बेसन लिया था, उस बेसन को इसमें मैं अच्छे से मिला लूंगी प्याज और टमाटर में। और इस बेसन को तब तक फ्राई करती रहूंगी जब तक कि इसकी जो कच्ची खुशबू होती है ना वो निकल जाए। तो इसे अच्छे से फ्राई करना है हमें। आप लोग देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, तो पानी मुझे ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस एक थिक सी मुझे इसकी ग्रेवी रखनी है। तो उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे मसालों में धनिया पाउडर लिया हुआ है, लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है और गरम मसाला लिया हुआ है और थोड़ा सा किचन किंग लिया हुआ है। इन सारे मसालों को मैं इसमें अच्छे से घोल दूंगी और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि हमारा जो बेसन है और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बेसन और मसाला अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने पहले शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई किया था उसे मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी और कुछ देर के लिए इसे स्लो फ्लेम पे ढक के रख दूंगी। तो गाइस 3 मिनट तक मैंने इसे स्लो फ्लेम पे रखा और अब आप लोग देख सकते हैं हमारी बेसन शिमला की जो सब्जी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी होती है, आप लोग भी एक बार इसकी सब्जी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वहीं गाइस अब मैं बना रही हूँ पेठे की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे पेठा बारीक टुकड़ों में काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं मैंने कट किया हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने कुकर में तेल डाल दिया है और तेल में मैंने डाला हुआ है मेथी के बीज और थोड़ा सा सरसों के बीज। और अब जो कद्दू मैंने काटा हुआ है उसे मैं इसमें डाल दूंगी। आप लोग सोचेंगे कि ये कुकर में बना रही है, काफ़ी सारे लोग कढ़ाई में बनाते हैं लेकिन हमें कुकर में बनाना ही अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे कुकर में बनाते हैं। तो यहाँ पे जितना भी मैंने कद्दू कट किया था उसे मैं सबको इसमें अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना होता है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा कद्दू है वो थोड़ा सा गल जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाइस मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मसालों में। अगर मैगी मसाला ना हो तो सब्जी का टेस्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने मैगी मसाला ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन किंग ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, धनिया ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक और डालूंगी। तो गाइज इन सारे मसालों को मिलाने के बाद मैं इसमें जो मैंने टमाटर कट किए थे उसे डाल दूंगी और मैंने टमाटर में हरी मिर्च भी कट की है 1 से 2, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और कुछ देर के लिए ढक के रख दूंगी। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे ढके हुए। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ कि ये गले या नहीं गले, क्योंकि जो कद्दू होता है उसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे चेक करती रह रही हूँ इसे कि ये सही से पका या नहीं पका। तो जिस तरीके से मैं इसे मेस रही हूँ इसी तरीके से इसे मेसना होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे नहीं खाते हैं, काफ़ी सारे लोग जैसे इसके पीसेस हैं वैसे ही खाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे मेस के खाते हैं, बिल्कुल बारीक करके खाते हैं। तो हम लोग भी उसी तरीके से खाते हैं। तो मैं इसे मेस रही हूँ और लेकिन ये अभी अच्छे से पका नहीं है, तो मैं इसे फिर कुछ देर के लिए ढक के रख दूंगी मीडियम आँच पे।
तो गाइस 10 से 15 मिनट हो चुके थे और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो पेठे की सब्जी है यानी कि कद्दू की सब्जी है वो बनके रेडी हो चुकी है। और मैं फिर इसे थोड़ा सा और बारीक करूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पीसेज जो कद्दू के हैं वो बचे हुए हैं, तो मैं इसे भी मेस दूंगी अच्छे से इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, कटा हुआ धनिया। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पेठे की रेसिपी यानी कि कद्दू की सब्जी भी बनके तैयार है। और गाइज अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो रोटी बनाने के लिए आप लोगों को गाइज मे भी पीछे की जो लाइटिंग है वो थोड़ा बेकार लग सकती है क्योंकि लाइटिंग मेरी अपोजिट में है और कैमरे में साफ से नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोग इस चीज़ को माइंड बिल्कुल भी मत करना। तो गाइज ये है मेरे नेक्स्ट डे की वीडियो यानी कि ट्यूसडे की वीडियो। और उस दिन का जो मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट था वो था साबूदाने की खिचड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाने की खिचड़ी ली है। अब मैं इसे खाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह ज़्यादा मतलब हैवी ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, हल्का फुल्का ही बनाते हैं। कभी पोहा बना लेते हैं तो कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, हल्का फुल्का ही बनाते हैं। लंच में हम थोड़ा हैवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जो साबूदाने की खिचड़ी है उसे फिनिश कर लूँगी खा के। इसके बाद गाइज मैं अंदर गई तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे बना रही थी केला, होता है ना जो पका हुआ केला, उसकी पकौड़ी। तो मम्मी ने पहले ही बना लिया था तो मैं उसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई, तो मैंने थोड़ा मम्मी से पूछा, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इसमें क्या मिलाया था? आटा और केला। खा लिया आटा और केला। सो हे गाइज वेलकम टू माई चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज आज है ट्यूसडे और कल मैंने अपने व्लॉग वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो को एंड कर दिया जाए क्योंकि गाइज मैं जितनी भी वीडियो बनाती हूँ बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने सोचा अगर 9-10 मिनट की वीडियो होगी तो चल जाएगा, लेकिन मेरी जो वीडियो होती है उसकी जो लेंथ हो जाती है वो 20 मिनट तक की हो जाती है, तो अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है जो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा छोटी छोटी बनाऊँ, तो इसीलिए। और बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा गाइज अभी मैं खाना खा के आई हूँ और आज हमने बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, जब होगा तो मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। और अभी जस्ट हम देखा होगा आपने, टीवी देख रहे थे पापा तो मैं भी देख रही थी क्योंकि मोदी जी का भाषण चल रहा है, मतलब मोदी जी फिर लाइव आए हैं एक बार हमें बताने के लिए कि कोरोना वायरस से हम कैसे बचाव करें, तो अभी हम उसे ही देख रहे थे। और अभी जो टाइम हो रहा है गाइज वो हो रहा है दोपहर की 11 बज रही हैं और इतनी गर्मी है ना गाइज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब आप लोग लगा नहीं सकते हैं जो गर्मी जून जुलाई में होती है वो अभी से यहाँ फील होने लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने, ये देखो मैंने फ़ैन भी चलाया हुआ है क्योंकि अगर फ़ैन नहीं चला रहे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रही है, मतलब सहन नहीं हो पा रही है फिर गर्मी। तो चलिए गाइज मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग और आप लोगों के सामने अपना नेक्स्ट ब्लॉग लेके आती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलती हूँ गाइज आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।